दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो आवेदन प्रक्रिया है वो चालू हो चुका है। मतलब यहाँ पर आपको जो कोर्स सीखना है, जिस भी सेक्टर से आपको कोर्स सीखना है, तो किस लोकेशन में वैकेंसी खाली और उस वैकेंसी के लिए आपको एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। उस पर मेरा रिसेंटली एक वीडियो भी आया था, इसमें मैंने आपको आवेदन प्रक्रिया बताई हुई थी। उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि क्या अभी नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का नया पंजीयन भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो वैकेंसीज खाली हैं उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको पंजीयन और आवेदन करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको 100% यहाँ पर कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगी। जिस भी सेक्टर से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसमें आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और आपको यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको जो बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उनको ध्यान से आपको देखना है। इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला हुआ है, रजिस्ट्रेशन से लेकर आवेदन आपको कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप पूरा वॉच कीजिए, जिसमें आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो फॉर्म है हम तीन स्टेप में भरेंगे। सबसे पहले हम इसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद यहाँ पर हम वैकेंसीज चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जिस भी सेक्टर के अंतर्गत आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसका यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे। तो इन तीनों स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। इसमें कोई भी गलती अगर आपने की है तो उसको आप यहाँ से सुधार कर सकें। तो सबसे पहले हम नया पंजीयन करते हैं। नया पंजीयन के लिए ऊपर देखिए अभ्यर्थी पंजीयन का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिखाए जा रहे हैं, इनको आप एक बार रीड कर लेंगे। देन यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है, चेकबॉक्स पर टिक करना है, आगे बढ़ाएं का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी समग्र आईडी डालना है, जो कि आपकी पर्सनल आईडी है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद सत्यापित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी समग्र आईडी आधार कार्ड से लिंक होगी तो यहाँ पर आप आगे फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपके समग्र आईडी आधार कार्ड लिंक नहीं होगी, उसमें अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा होगा, तो यहाँ पर आपको एरर शो कर देगा। उसके लिए आपको समग्र आईडी का KYC करवा लेना है और उसमें मोबाइल नंबर आपको लिंक करवा लेना है। समग्र आईडी KYC कैसे करना है, नंबर कैसे लिंक करना है, उस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा उसका जो लिंक है आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं और अपना KYC का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी समग्र आईडी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर आप SMS के माध्यम से या फिर WhatsApp के माध्यम से OTP रिसीव कर सकते हैं। कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और OTP भेजे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद OTP वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करें एवं विवरण प्राप्त करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपका पंजीयन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपकी समग्र आईडी से डेटा ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। बस यहाँ पर अगर आपके पिता का नाम नहीं है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, मदर का नाम नहीं है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। नीचे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे एक व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि आपके समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर डाला हो वही आपका व्हाट्सएप नंबर है। तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे आप नंबर डालेंगे, देन यहाँ पर नीचे आपको एक ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी आपको वैलिड डालना है, जो कि आपकी अभी चालू होगी, उसमें आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद OTP भेजे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी में एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालकर आप उसको वेरीफाई करेंगे। नीचे आपको देखिए तीन चेकबॉक्स दिख रहे हैं, तीनों पर आपको टिक करना है और नीचे आपको सबमिट का बटन मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना है और लॉगिन करने के लिए क्लिक करें का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड सेंड किया गया है। यूजर आईडी आपका समग्र आईडी ही होता है और यहाँ पर एक पासवर्ड आपको सेंड किया गया है, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालकर आपको कैप्चा कोड डालकर लॉगिन की बटन पर क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड यहाँ पर आपको कैसे बनाना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पूरा यहाँ पर दिया गया है पॉलिसी, तो आप इसके अकॉर्डिंग एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड आपको डालना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है, उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालकर चेंज पासवर्ड की बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पर आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी प्रोफाइल आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आधार में बैंक खाता आपका लिंक होना चाहिए,
और आपका जो डीबीटी यहाँ पर है वो सक्रिय होना चाहिए, और दोनों में यहाँ पर हाँ हाँ लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड में जाकर बैंक खाता लिंक कराना है, क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से आएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको अपना क्वालिफिकेशन ऐड करना है, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करना है। तो अपना क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता डालना होगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ट्वेल्थ है, आईटीआई डिप्लोमा है, फिर ग्रेजुएशन है, तो वो यहाँ पर आपको डालना है। शुरुआत आपको ट्वेल्थ से करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप ट्वेल्थ का डालेंगे, तो यहाँ पर हमने ट्वेल्थ सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप शैक्षणिक योग्यता चयन करेंगे, उसके बाद कोर्स का चयन करेंगे, किस बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया वो यहाँ पर आप डालेंगे, शैक्षणिक संस्था का नाम अपने कॉलेज या फिर स्कूल का नाम आप डालेंगे, उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, पासिंग ईयर डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, और यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्वेल्थ का क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट स्कैन कर लेना है, और यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर आप जोड़े के बटन में क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्वेल्थ ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो ट्वेल्थ का क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका आगे का जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से कोर्स का चयन करेंगे, शाखा का चयन करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे, पासिंग ईयर, परसेंटेज डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे, और उसके बाद अगेन यहाँ पर जोड़े के बटन में क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो बारी बारी से यहाँ पर ऐड होता जाएगा। सारे क्वालिफिकेशन ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर संरक्षित करें एवं आगे बढ़ाएं का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको कोर्स का चयन करना है, और जो आप सेक्टर से जो भी कोर्स सीखना चाहते हैं वो आपको उसका सिलेक्शन यहाँ पर करना है। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर किस सेक्टर में, किस कोर्स में वैकेंसीज खाली हैं, उसके बाद ही आप इसको फिल कीजिएगा। तो वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर वापस से होम पेज पर आना है, जहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्तियाँ देखें, तो यहाँ पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले आप वो चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जिले का चयन करना है, जिस जिले से आप कोर्स सीखना चाहते हैं या फिर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर का सिलेक्शन करना है, किस सेक्टर से आप कोर्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन का देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंतर्गत आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको असिस्टेंट मेसन दिया गया है, उसके अलावा कारपेंटर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कारपेंटर का देखना चाहते हैं, चलिए यहाँ पर हम कारपेंटर, या फिर पहले हम मेसन का देख लेते हैं, यहाँ पर हमने असिस्टेंट मेसन सेलेक्ट किया है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं। अब सर्च करने के बाद अगर यहाँ पर वैकेंसीज खाली होंगी आपके डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट मेसन की, तो यहाँ पर देखिए पूरा नीचे आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसे कि राहुल शुक्ला करके एक असिस्टेंट मेसन का यहाँ पर कंपनी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज भी आपको दिखाई जा रही है, दो वैकेंसीज खाली हैं। स्टाइपेंड आपको दिया गया 8,000 रुपये मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन का है, 12 मंथ की ट्रेनिंग यहाँ पर आपकी रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे 12th मांगा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप वैकेंसीज चेक कर सकते हैं कि आप जो सेक्टर चुन रहे हैं उसमें वैकेंसीज खाली हैं या फिर नहीं है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको वैकेंसीज एंटर करना है। अब चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, असिस्टेंट मेसन को चेंज करके यहाँ पर कारपेंटर कर देते हैं। कारपेंटर करने के बाद इसको हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए नीचे यहाँ पर वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंतर्गत आपके जिले में कारपेंटर की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है। अगर आप कारपेंटर डाल देते हैं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म बेकार चला जाएगा, और यहाँ पर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हो पाएगी, ना ही आप यहाँ पर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको एक बार वैकेंसी जरूर चेक करना है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको वैकेंसीज डालना है। अब देखिए वैकेंसीज कैसे डालना है, जैसे आप चेक कर लेते हैं वैकेंसी अगर खाली है तो यहाँ पर आपको कैसे डालना है। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता का चयन करेंगे, जिसे यहाँ पर हमने ट्वेल्थ सेलेक्ट किया है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर आपको सेक्टर का सिलेक्शन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप आईटी सेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने आईटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कोर्स यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि कोपा में वैकेंसीज है, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में हमारे शहर में वैकेंसी खाली है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जोड़े के बटन में आप क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो कोर्स है वो देखिए नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज हमने डालनी थी, जो भी वैकेंसीज यहाँ पर खाली थी वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ली है।
उसके बाद नीचे आपको लोकेशन डालना है। लोकेशन कैसे डालना है, सबसे पहले आपको जिले का चयन करना है, सॉरी राज्य का चयन करना है, किस राज्य से आप कोर्स करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जिले का चयन करना होगा। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, आप चाहें तो अपने आसपास के जिलों में भी जाकर कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने देखिए जबलपुर ऑलरेडी नीचे डाला हुआ है, मध्य प्रदेश जबलपुर, तो इस तरह से यहाँ पर आप भी एक जिला या फिर एक से ज़्यादा जिलों का चयन कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको प्रिंट करने के लिए आप ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड रिज्यूम डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना रिज्यूम प्रिंट कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट होगा या फिर इंटरव्यू होगा तो आपको ये रिज्यूम वहाँ पर लेकर जाना होगा, इसलिए आप इसको प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद और वैकेंसी चेक करने के बाद आपको वैकेंसीज के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर रिज्यूम डाउनलोड करने के नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया, रिक्तियाँ खोजें, वैकेंसीज यहाँ पर सर्च करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी वैकेंसीज है ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। ऑटोमेटिक क्यों आई हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी कोर्स सेलेक्ट किया था उस पर पहले ही देख लिया था कि उसमें वैकेंसी खाली है या फिर नहीं है, इसलिए जो वैकेंसी हमने डाली थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए नीचे शो कर रही है। अब यहाँ पर आप चाहें तो जिस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, जो भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं फिर से कि अगर आपने यहाँ पर वैकेंसी देख के नहीं डाली है और जो वैकेंसी जो कोर्स आपने यहाँ पर डाला है उसमें अगर वैकेंसी खाली नहीं होगी, सीट अगर खाली नहीं होगी, तो यहाँ पर नीचे वैकेंसी इन्फॉर्मेशन में नो रिकॉर्ड फाउंड शो करेगा, जिसके बाद यहाँ पर आप किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक बार ये जरूर चेक कर लेना है कि जो कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें वैकेंसी खाली है या फिर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने जो कोर्स डाला हुआ है उसमें वैकेंसीज खाली थी, तो यहाँ पर नीचे उसका पूरा विवरण आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग वैकेंसीज दिखाई जा रही है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर MPV की आपको वैकेंसी दिखाई जा रही है, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जहाँ पर आपको स्टाइपेंड शो किया जा रहा है, कितनी वैकेंसीज खाली हैं वो शो किया जा रहा है, कितने महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगा और मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना है वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब देखिए आपको अप्लाई करने से पहले एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी वैकेंसी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपको व्यू कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे इस वैकेंसी को हम चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर हम व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद इस कंपनी की पूरा जो डिटेल्स है वो जो विवरण है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जबलपुर में ये वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की, और यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने अप्लाई किया ये भी आपको दिखा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चल जाएगा कितना कॉम्पिटिशन है, तभी यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। 2221 लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको पूरी जानकारी दी गई है, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना स्टाइपेंड है, उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर देखिए, जो कंपनी है उसका एड्रेस कहाँ पर है वो भी आपको दिया गया है। तो नीचे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। नीचे आपको क्या काम करना है, क्या काम आपको सिखाया जाएगा, कार्य विवरण में आपको उसकी पूरी जानकारी दी गई है, तो उसको एक बार आपको जरूर से आकर पढ़ लेना है। अगर आपको लगता है कि इसका जो क्वालिफिकेशन है आप उसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि यहाँ पर ITI दिया गया है, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको अप्लाई बटन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है आप किसी रिक्त के लिए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले से हमें स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब वैकेंसी अप्लाई करने के बाद या फिर अनुबंध स्वीकार करने के बाद उसका स्टेटस आप कहाँ से देख सकते हैं, कौन सी वैकेंसी आपने अप्लाई की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आवेदन की स्थिति देखने का एक ऑप्शन आपको दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर देखिए आपको आवेदन की स्थिति में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड बाय कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर जो अनुबंध है वो हमने स्वीकार कर लिया है, तो अब यहाँ पर हम किसी और वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको सबसे पहले वैकेंसी ज़रूर चेक करना है। अगर आप ये गलती कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पूरा फॉर्म सही सही भरते हैं, वैकेंसीज चेक करते हैं, वैकेंसीज कितनी हैं, कहाँ पर है, और उसके लिए सही से अप्लाई करते हैं तो 110% आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी आगे का प्रोसेस होगा, वो यहाँ पर आपको देखिए स्टेटस जब उसका आप चेक करेंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसके अलावा जो भी यहाँ पर जानकारी है जॉब कोर्स ज्वाइनिंग करने का, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। लेकिन तब तक अभी आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। अभी फिलहाल इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी चल ही रहा है। जब भी इसको लेकर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी यहाँ पर आगे की जानकारी आती है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे जैसे ही कोई भी अपडेट आता है इस योजना को लेकर तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ।